Hello friends, welcome to my channel Vidisha's Creations. Today I am going to shoot last video of this tutorial. I hope आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से इस मधुबनी पेंटिंग को सीखा. इसमें मैंने सारी स्टाइल्स बताई, इवन गोदना और तांत्रिक जो कि रेयर है और अभी यूज़ नहीं होती मधुबनी में, उसको भी बताया है. और उसी से रिलेटेड आज ये लास्ट एपिसोड है तंत्रा. जैसे कि पांच स्टाइल्स आपने देखे थे, कचनी, भरनी, कोहबर, गोदना एंड तांत्रिक, दैट इज तांत्रिक. तो पहले मैं कुछ ट्रेस करती हूँ, फिर उसके साथ बाद आपके साथ बातें करती हूँ. तो हमेशा की तरह जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स है वो मैं आपको बता दूं, दैट इज पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर, दिस पेन होल्डर जो कि आप यूज कर रहे हैं लास्ट कई एपिसोड से, एक ही हमारा ट्विन मार्कर होता है. अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं देन यू कैन यूज दिस ट्विन मार्कर. वॉट इज आर दिस पोस्टर कलर इफ यू आर यूजिंग पेपर, और दिस फैब्रिक कैसल फैब्रिक कलर. And you can use this artistic Camlin color if you use canvas or any other surface like wood and plastic and any other thing and cloth. Okay, so let's just start. As you know, जैसा कि नाम से ही है, that is tantra. Tantra means होता है basically जो गोदना था. Tantra और गोदना में ये difference है कि जो tantra था वो हमारी लोअर कास्ट की लेडीज़ करती थी, सॉरी गोधना, और जो तंत्रा है वो हमारी अपर कास्ट की लेडीज़ जैसे ब्राह्मण्स और कायस्थ की लेडीज़ करती थी. तो अभी मैं आपको यहाँ पैटर्न बताती हूँ, उसके बाद फिर कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. As you can see, this is some tantra type of thing. This is freestyle, that's why I am doing free. You can use compass or any other object. Kuch patterns bana lete hain pehle hum yahan. दिस इज तंत्रा टाइप ऑफ पैटर्न. इसको बनाने के लिए हमारी मधुबनी की जो लेडीज होती थी वो अपर क्रास्ट की लेडीज बनाती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया. अगेन आई एम यूजिंग दिस ब्लैक कलर. ब्लैक कलर के लिए हमेशा परमानेंट कलर ही यूज करना है आपको, जब आप आउटलाइन या लाइन्स किसी तरह की बनाते हैं या कचनी करते हैं, तो प्लीज यूज ब्लैक कलर ओनली. अभी मैं लाइंस के लिए ये जीरो नंबर ब्रश यूज करूंगी, ठीक है. और यहाँ पे ब्लैक कलर ले करके मैं पहले लाइंस बनाऊंगी, क्योंकि ब्लैक कलर हमेशा से ही मधुबनी की बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, अदरवाइज लेट्स डू वन थिंग. हम आज मार्कर से काम करते हैं और मैं आपको मार्कर से दिखाती हूँ कि हम कैसे काम कर सकते हैं. हमने मार्कर से परमानेंट मार्कर, इसे आप डायरेक्टली इससे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पेंसिल से बनाएंगे. ये लास्ट है हमारा ट्यूटोरियल, जिसकी वजह से मैं ये चाह रही हूँ कि मैं आपको एकदम क्लियरिटी कर सकूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ हाथ यूज़ करिए. क्योंकि अगर आप इस एपिसोड को देख रहे होंगे तो आप ऑलमोस्ट पूरे 25 एपिसोड्स आप देख चुके होंगे और आपका हाथ काफ़ी हद तक सेट हो चुका होगा. तो जस्ट ट्राई टू मेक इट फ्री हैंड. उल्टे मुझे फ्री ज़्यादा होता है. अच्छा, मैं कॉपी इसको नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा अलग है,
तो मैं ये पेंसिल वाले पोर्शन को रब कर दे रही हूँ. ओके, दिस इज परमानेंट, तो रब करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. जैसा कि नाम से ही आप जान रहे हैं, दैट इज तंत्रा मीन्स तंत्र मंत्र से रिलेटेड चीज़ें होती थी. और बेसिकली ये जो गोदना वाले स्टाइल होता था उनके लिए तो प्रोवाइडेड भी नहीं थे अच्छे पेपर्स, पर जो तंत्र, जो कि आपने गोदना वाले एपिसोड में देखा होगा, बट तंत्रा के लिए चूंकि अपर कास्ट की लेडीज करती थी तो उनको अच्छा वाइट पेपर या अच्छी एक शीट प्रोवाइड होती थी जो उस समय अवेलेबल होती थी, उसके साथ वो ये तंत्रा करती थी. बेसिकली वो वॉल पे और फ्लोर पे भी बहुत ज़्यादा करती थी. तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लू कलर से. और बेसिकली मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारा गोदना आर्ट अभी प्रेजेंट फॉर्म में टैटू हो गया है, उसी तरह हमारी ये तंत्रा जो आर्ट है वो हमारी प्रेजेंट डे में मंडाला हो चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं. पर ये बहुत ही रेयर स्टाइल है और नाउडेज इसको कोई सिखाता भी नहीं है जल्दी. बट मुझे ये कोर्स कंप्लीट पूरा चाहिए, तो मैं आपको पूरी चीज़ें बता रही हूँ. आप अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये फुल कोर्स. और मे बी अगर आप टीचर हैं या आप मधुबनी में कुछ करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये ट्यूटोरियल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जहां आपने एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से सीखा है. सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सर्टिफिकेट की डिमांड की कि मैं सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करूँ. तो मे बी प्रोसीजर है हमारा, चल रहा है रजिस्टर्ड हमारी जो विदिशा क्रिएशंस है. मे बी हम बहुत जल्दी आपको भी, जब नेक्स्ट कोई ट्यूशन लेकर आएंगे आपके लिए ट्यूटोरियल, तो हम आपको सर्टिफिकेट भी दे पाएंगे. बट पर्सनली आई फील कि इन फोक आर्ट देर इज़ नो नीड टू सर्टिफिकेट, योर स्किल मैटर्स एक्चुअली. अगर आपके स्किल हैं तो आप को किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी फोक आर्टिस्ट हैं, जो हमारे बेसिकली जो हमारे फोक एरियाज में हमारे फोक आर्टिस्ट हैं, उनसे बढ़िया ये फोक आर्ट कोई कर नहीं सकता. और उनके पास किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, दे हैव स्किल ओनली. तो मुझे नहीं लगता कि हाँ, अगर आप किसी तरह से कुछ रिसर्च वगैरह कर रहे हैं या आपको फोक आर्ट्स में कुछ आगे स्पेसिफिक कोई कोर्स करना है, देन इट इज़ ओके. अदरवाइज अगर आप नॉर्मल फाइन आर्ट्स के भी स्टूडेंट हैं और आपको आर्ट में इंटरेस्ट है, देन यू कैन लर्न एंड यू कैन फॉरवर्ड दिस आर्ट टू योर स्टूडेंट. ओके, ये हमारा हो गया. ओके, अभी जो हम यूज करेंगे वो है हमारा इसका दूसरा शेड, जो है हमेशा की तरह रेड कलर. मधुबनी के कुछ बेसिक कलर्स हैं जो बहुत ही ब्राइट और बहुत ही पॉपुलर हैं, जैसे कि आप अगर दूसरी फोक आर्ट्स करते हैं तो उसमें भी आपको मिलता होगा कि कुछ स्पेसिफिक कलर्स हैं जो उस फोक आर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड यू कैन नॉट चेंज द कलर. सो आपको इसको रेड कलर से करना है, दैट इज तंत्रा ओनली. बेसिकली अभी मधुबनी में ये स्टाइल बिल्कुल भी नहीं सब दिखता है, और जब आप कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप कचनी भरनी से ही मधुबनी को पूरा करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैरिज फंक्शंस होती हैं तो आप कोबर वाला चैप्टर यूज कर सकते हैं, बट दैट इज रेयर दैट गोदना एंड तांत्रिक. एंड यू कैन रिमेंबर दिस थिंग लाइक कि ये दिस इज गोदना इज फॉर टैटू एंड तंत्रा इज फॉर मंडाला आर्ट. ये हो गया. अभी जो हम बनाएंगे उसके लिए हम इसको किसी कितने भी कलर्स के साथ फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं, या आपकी अपनी विश है. जब आप लाइट कलर यूज़ करिए तो प्लीज़ ट्राई टू यूज़ द फ्रेश वाटर. ओके, अदरवाइज वो
आपके कलर्स मिक्सिंग हो सकती है। ये वाला पोर्शन मैं अब येलो कलर से कर रही हूँ, यू कैन सी द येलो कलर, दिस इज वेरी ब्राइट। कि आपको एक तंत्र की तरह से दिख रहा होगा, डिफरेंस बस इतना ही है तंत्र एंड गोदना में कि गोदना इज़ फॉर लोअर कास्ट एंड तंत्र इज़ फॉर अपर कास्ट उस टाइम पे। और इनको जो मटेरियल मिलता था वो भी जो क्ले और काउ डंग वगैरह यूज़ करके गोदना वाली लेडीज़ बनाया करती थी, और हमारी ये तंत्र को अपर कास्ट की लेडीज़ बनाती थी और उनको फ्लोर मिलता था करने के लिए एंड उनको वॉल मिलती थी। That is the difference only tantra and godna, and both are the very rare style in Madhubani, जो कि आजकल use भी नहीं होती है, but this is the course, so you have to learn each and everything. इस course को करने के बाद आपको अगर कोई भी doubt होगा after this video, जो ये last video है आपका, अगर आपको कोई भी doubt होता है like, तो बेटर है आप मुझसे हर दिन क्वेश्चन पूछने के बजाय मुझे एक वीडियो कॉल आप कर लीजिएगा। टाइम एंड डेट आप बता दीजिए कि किस टाइम को आपको वीडियो कॉल करना है, उस टाइम पे आप वीडियो कॉल करिए। आपको हाफ एन आवर 30 मिनट्स की एक वीडियो कॉल प्रोवाइड होगी जो कि इस कोर्स के साथ इंक्लूडेड है। उसमें आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं या जितने भी आपको क्वेश्चंस हैं आप उसको आराम से मुझसे पूछिए, ठीक है। अभी जो मैं कह रही हूँ वो यहाँ पे थोड़ी, अच्छा ये तो चलेगा नहीं, तो मैं यूज़ करती हूँ दैट ब्लैक कलर ओनली। अभी मैं इस पर भी थोड़ा सा सेम वही कचनी वर्क करूँगी। आप अच्छे से पूरे ट्यूटोरियल्स को पढ़िए, पेशेंस के साथ देखिए, अपना होमवर्क करिए, फिर अगर लगता है कि आपको, हाँ आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप बिल्कुल फ्री हैं मुझे एक वीडियो सेशन करने के लिए, बट आपको पहले से स्केड्यूल प्लान करना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंगली मैं आपका सेट कर लूँगी टाइम, और फिर हम एक वीडियो कॉल, जिसके लिए आपको एक बॉटम ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा और इसके थ्रू हम आपसे वीडियो कॉल कर लेंगे। बट आई डोंट थिंक सो कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आज तक इतने सारे टाइम में मुझे कभी भी किसी ने वीडियो कॉल करके डाउट्स क्लियर नहीं किए, क्योंकि ड्यूरिंग दिस वीडियो सेशन यू विल गेट टू नो एवरी थिंग, लाइक कोई भी डाउट हो, क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है, जब आप वन बाय वन एक एक वीडियो देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। तो अभी तक आज तक मुझसे किसी ने भी कोई वीडियो सेशन नहीं लिया है, हाँ इवन दूसरे फोक आर्ट्स में मुझे लिया है, बट मधुबनी के लिए मुझे कभी कोई डाउट क्लियर करने का सेशन अरेंज नहीं करना पड़ा है। इवन समटाइम्स केरला मिरल में लोगों को होता है, वो उस पर करते हैं, इवन कभी कभी वो एक डायरेक्ट क्लास में देती भी हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा कलर मिक्सिंग एंड वो सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें मैं खुद से सामने से एक वीडियो सेशन करके उनको क्लियर करती हूँ, बट मधुबनी में अभी तक मुझे एक भी डाउट क्लियरेंस का वीडियो अरेंज करना नहीं पड़ा है, बट आई होप कि आगे भी नहीं करना पड़ेगा। बट आप बिल्कुल फ्री हैं, अगर आपको लगता है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कॉल करिए। ये देखिए ये आपका
तंत्रा रेडी हो गया। इसी तरह के और भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो कि पिक्चर्स में आपके साथ तंत्रा की शेयर कर दूंगी, दो तीन पैटर्न, जिससे आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली समटाइम इसमें एक वो काली माई टाइप का फिगर भी बनाते हैं जिसमें काली माँ अपनी टंग निकाल के खड़ी रहती हैं और वो बिल्कुल ब्लू कलर में होती हैं और उनकी जो स्कर्ट वगैरह होती है वो कुछ फिंगर्स के साथ, हैंड के साथ होती है, वो तंत्रा को ही रिजेंबल करता हुआ होता है, उसको समटाइम्स बनाते हैं। तो वो सब पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब इसको आप लाइंस कर दीजिए। इवन तंत्रा एंड गोदना में एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, इसमें लाइंस की डबलिंग भी नहीं है। तो ये वो आर्ट फॉर्म था कि उतना पॉपुलर भी नहीं हुआ और चूंकि इसमें डिफरेंस था अपर एंड लोअर कास्ट का, तो मे बी उतना टाइम के हिसाब से ये चीज़ें कन्वर्ट हो गई दूसरे आर्ट फॉर्म में और उतनी पॉपुलरिटी इनको मधुबनी में नहीं मिल पाई। बट मधुबनी अपनी एक इतनी यूनिक आर्ट है कि उसको अपने दो स्टाइल के साथ ही वो पूरी दुनिया में अपना होल्ड कर रही है। बट मैं इसको थोड़ा सा मधुबनी लुक देने के लिए इसको डबल कर देती हूँ। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको करना है कि नहीं करना है। मुझे अच्छा लगता है मधुबनी में लाइक करना, तो मैं कर रही हूँ, बट इट इज नॉट कंपल्शन टू यू। थोड़ा सा कलर लीजिए, लाइट हो रहा है। ओके, अभी आपका तंत्रा का ये पार्ट रेडी हो गया। अब अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी डाउट होता है, तो प्लीज आप बिल्कुल फ्री हैं मुझसे पूछने के लिए। अभी जो एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सेंटर में हम ऐसा ही कुछ फिगर बना देंगे जो कि तंत्रा से रिलेटेड होगा। ये देखिए, बिकॉज ये तंत्रा है, नाम के हिसाब से ही इसको आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं ये तंत्रा वाला एक वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आपको कोई भी बेसिकली रिक्वायरमेंट होगी तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एंड मैं आपके लिए एक वीडियो सेशन ज़रूर अटेंड करना चाहूँगी अगर आपको कोई डाउट है। तब तक आप प्रैक्टिस करिए और जितना अच्छा परफेक्ट हो सकते हैं आप मधुबनी में परफेक्ट होइए। ये कोर्स मैंने बहुत ही अच्छा प्लान किया था, सिर्फ ये सोच के कि ये बिगनर्स के लिए भी हो और ये प्रोफेशनल्स के लिए भी हो। आई होप कि इस कोर्स को करने के बाद आपको कहीं भी मधुबनी के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मटेरियल सब कुछ आपको मिल सकता है घर में, बस आपकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास एक पेपर है, कुछ कलर्स या ब्रशेज हैं, अगर नहीं भी है देन यू कैन यूज़ पेंसिल कलर्स, जो भी आपके पास है उससे आप प्रैक्टिस करिए और जस्ट बी परफेक्ट इन मधुबनी। आई होप कि मेरी ये कोशिश आप लोगों के लाइफ में मधुबनी के लिए एक अलग थिंकिंग क्रिएट करेगी। और इसी के साथ हम आपको नेक्स्ट फोक आर्ट ट्यूटोरियल में ज़रूर मिलना चाहेंगे। आप में से जो भी और नेक्स्ट हमारे साथ किसी फोक आर्ट को सीखना चाहता है तो प्लीज़ हमें ज़रूर ज्वाइन करें। हमारी नेक्स्ट फोक आर्ट क्लास जो है वो है हमारी पत्तचित्र की, पिचवई आर्ट की, गोंड आर्ट की, वारली की एंड केरला म्यूरल की। ये सारी फोक आर्ट्स की क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आपको किसी भी आर्ट में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल हमारे साथ उस फोक आर्ट को सीखिएगा। टिल देन स्टे सेफ, बाय।